एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पी हू बी जी। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, सुबह के बज रहे हैं 10। मैंने सारा काम करके ख़त्म कर दिया है। मैं थोड़ा काम करने जा रही थी, खिड़की का पेंट रखा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस, हम ज़्यादा बातें नहीं करते, हम चलते। ये रही छोटी सी खिड़की, हमें इसी को कलर करना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है अभी कलर नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कर देती हूँ, कलर करना है। काफ़ी दिन हो गए हैं कलर रखा हुआ था, गेट रंगा गया था तो उसी में कलर बचा था, मैंने सोचा कलर बचा ही है, मैं इसको कलर कर देती हूँ। कलर करने के लिए दस्ताना पहन रहे थे, देखो किस तरह से फट गया है, ये अभी ही जस्ट फटा है, एक हाथ का ठीक है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये ठीक है मगर ये तो फट गया है। मेरे पेंट ये रहा कलर जो हमें करना है खुले, मैंने इसको पहले से ही मिला लिया था क्योंकि गेट कलर किया गया था ना, तो इसमें थोड़ा सा बचा था तो मैंने कहा खिड़की में लगा देती हूँ। यहाँ पे ये कलर जो होता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब डिज़ाइन जिससे बनता है, तो ये वो है। डिज़ाइन इसमें अभी नहीं बनेगा क्योंकि जो पेंट होता है ना ब्लैक, वो ज़्यादा सरकता रहता है, चिकनापन रहता है ऑयल वगैरह, तो यहाँ भी तो बनेगा नहीं, तो मैं सिर्फ खिड़की रंग दूँगी। रहा कलर वाला ब्रश, पेंट वाला यानी, तो मैं करने जा रही थी पेंट। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, मैंने फेस को कवर कर लिया है ताकि फेस पे छिट्टी ना पड़े। छीट जो पड़ जाते हैं ना वो निकलते नहीं हैं, हाथ पैर में कहीं पड़ जाते तो निकाल लो, निकल जाते लो, फेस पे ना पड़ जाते तो निकलते नहीं हैं। मैंने दस्ताना पहन रखा है क्योंकि हाथ में अगर लग जाता है ना तो कितना भी निकालो निकलता नहीं है, तो ये मैं यहाँ पे कर रही थी कलर खिड़की की। काफ़ी दिन से पड़ी थी, दिवाली पे मैंने पेंट मंगवाया था गेट कलर करने के लिए, तब से ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बस आज करेंगे कल करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे यही हो रहा था। मैंने सोचा मैं करवा देती हूँ किसी से, तो जिस जो कोई पेंट करते हैं ना उनको टाइम ही नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ, इतने दिन से पड़ा हुआ है। एक ये हमने कलर किया था और मैं दिखाती हूँ आप लोगों, ज़्यादा कुछ भी कलर नहीं करना था ने? और ये दरवाज़ा, ये किनारे किनारे देखिए किस तरह से ये फैल गया है। यहाँ मैं कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे मैंने कलर किया था और कुछ ज़्यादा नहीं कलर करना था, तो मैं अपने दस्ताने निकाल दे रही हूँ क्योंकि अभी पीहू घर पे है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरी आँख के नीचे एक छींटे पड़ गई थी, मैंने फेस कवर कर रखा था फिर भी आँख में छींटे पड़ गई, तो मैं अपने दस्ताना निकाल के हैंड वॉश कर लेती हूँ क्योंकि पीहू ना घर पे है। ये देखिए मेरे हाथ में कितना सारा लग गया, अगर मैं दस्ताना ना पहनती ना तो मेरे हाथ में कुछ ज़्यादा ही लग जाता। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दस्ताना, ये देखिए हाथ एकदम साफ है, नहीं लगा है, मैं फालतू में डर रही थी कि लग ना, लगा नहीं है, साफ साफ हाथ निकल आए हैं, इतना सारा तो लगेगा ही। ये देखिए यहाँ पे इतना लग गया है, यहाँ पे इतना लग गया है और ये आँख पे किस तरह से लगा हुआ है, इसको निकाल लेती हूँ। गाइस कलर हो गया है, मैं चलती हूँ घर को क्योंकि पीहू ना घर पे है। मैं देखती हूँ पीहू क्या कर रही है, काम मतलब दरवाजा वगैरह बंद कर लेती हूँ, पहले खिड़की बंद कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ना खिड़की में बंद कर ले रही हूँ, खिड़की पहले मैं बंद कर लेती हूँ फिर उसके बाद, नहीं तो खिड़की अगर खुली रहती ना तो कोई कीड़ा या मतलब धूल मिट्टी सब रूम के अंदर आती जाती है, तो मैं खिड़की बंद कर दे रही हूँ, सूख जाएगा। देखो क्या हो गया है, मैंने हाथ रख दिया था अभी, हाथ में पूरे मेरे पेंट लग गया है, अभी तक इतना बचाया आप लोग देख ही रहे हैं। दस्ताने को मैं रख दूंगी क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब कलर करूँगी ना तो काम आएगा। एक हाथ का फट गया था लेकिन जो दाहिने हाथ का था वो नहीं फटा था, इसलिए बन रहा था। अब मैं इसको निर्मा ना पेंट में स्क्रब की तरह काम कर रहा है, जैसे फेस में स्क्रब काम नहीं करता वैसे ही मेरे पेंट लग गया है, जैसे फेस पे स्क्रब काम नहीं करता उसी तरह से काम कर रहा है। दरबरा होता है ना, स्क्रब भी दरबरा होता है, उसी तरह से निर्मा भी दरबरा सा है, देखो किस तरह से मतलब काम कर रहा है। मैं फालतू में डर रही थी, सारा अच्छे से साफ हो रहा है,
पिंट का यही तो प्रॉब्लम होता है कि अगर कहीं लग जाता है ना तो कितनी मुश्किल से साफ होता है, इसलिए मैंने फेस को कवर कर रखा था। लेकिन देख सुबह ना इतना मौसम ख़राब था, अब तो धूप निकल आई है। मैं लगा लेती हूँ, पहले दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। धूप निकल आई है, अच्छी खासी धूप है। मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि पीहू ना मम्मी के पास से बहुत परेशान कर रही होगी। ये मैं रास्ते में हूँ, सारा काम अपना ख़त्म कर दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। देखती हूँ बंदर क्या कर रही है। ये मेरी गली, जिस गली से मैं जा रही हूँ, ये पीहू से छोटी है, इसका नाम जानवी है। लेकिन पीहू की तरह शरारत नहीं करती, बहुत ही सीधी सादी बच्ची है, लेकिन वो बंदर बहुत शरारत करती है, इसलिए उसे अकेले तो कोई संभाल ही नहीं सकता। सोचो दो काम साथ साथ करो ना, तो कोई दो दो साथ काम नहीं कर सकता, इतना वो इधर उधर भागती है। ये पीहू से 28-25 दिन की छोटी बड़ी है, पीहू 28 दिन की इनसे बड़ी है। तो मैं घर जा रही थी तो रास्ते में मिल गई, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ, थोड़ी दूर बचा हुआ है। देखती हूँ पीहू क्या कर रही। गेट खोलो बाबू, गेट खोल दो। जब मैं आई तो ऑलरेडी ही गेट पकड़ के खड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे इसकी जार था। तो ये गेट पकड़ के खुद ही खड़ी हुई थी, अब कैसे खोले क्योंकि गेट था बंद। और ये परेशान थी जब मैंने आवाज़ लगाया, तो ये परेशान थी कि मैं कैसे खोलूँ गेट को, क्योंकि कुंडी लगी हुई थी। तो इस तरह से मुंह बना रही थी कि कैसे खोलूँ कैसे खोलूँ। और तो गाइस हम आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस रात के बज रहे हैं 9, 9:30 बज रहे होंगे, आई थिंक, कंफर्म नहीं है। ये मैं शादी में आई थी, लड़की की शादी है, मेरे घर पे नहीं थी, तो घर से थोड़ा दूर पे थी तो मैं वहीं पे आई थी। तो हम पीहू मम्मी पापा तीनों चारों लोग आए थे। पीहू पापा दोनों लोग डीजे जहाँ सॉन्ग वगैरह लगा था वहीं पे थे, क्योंकि पीहू ना जब सॉन्ग वगैरह सुनती है ना तो उसका डांस करने का बहुत मन था। और वहाँ भी पापा उसको लेके गए थे कि चलो अच्छा तुम यहाँ इसे झूम रही हो, वहाँ चलते दिखाते हम आप लोगों को कि पीहू कैसा मस्ती से झूम रही है, देखो किस तरह से मस्ती में झूम रही है। ये मेरे पापा हैं, पापा के साथ झूम रही है। जो डीजे पे लाइट वगैरह मतलब लाइट लगी नहीं होती कई कलर में, तो वो कलर को पकड़ रही थी। देखो डीजे का वैसे भी वॉल्यूम बहुत तेज होता है, तो ये भाग रही थी डर के मारे, दूर से झूम रही थी लेकिन पास आके ना भाग रही थी। देखो किस तरह से लाइट पकड़ रही है, 3-4 कलर में लाइट थी, तो ये बार बार कहीं इधर भाग रही थी, क्यों उधर भाग रही लाइट पकड़ने के लिए। जब दूर था सॉन्ग बज रहा था तो ये झूम रही थी, जब पापा इसको पास में लेके गए ना तो ये जो लाइट होती नहीं है कई कलर में, तो उसको पकड़ रही थी। देखो किस तरह से हाथ फैला रखा है कि मेरे हाथ में आ जाए, तो ये लाइट ही ज़्यादा इसका फोकस लाइट पे ही था, इसने डांस करना बंद कर दिया था। फिर डीजे की जो वॉल्यूम होती है बहुत ही तेज़ होती है, तो ये ना डर गई थी कि इतना तेज़ पता नहीं क्या बज रहा है। लाइट के देखने के चक्कर में ये थोड़ा ही देखो किस तरह से इधर भाग रही है उधर भाग रही है, डांस करना इसने बंद कर दिया था, बहुत भागती है। फिर पापा ने बोला चलो तुमको झूला पे झुलाते हैं। जो स्टेज था लड़की की शादी, तो स्टेज था, स्टेज बना हुआ था झूला का, जो आप लोग देख ही रहे हैं। सबसे पहले इस पे पीहू ही बैठी थी, इसको बहुत ही मजा आ रहा था, जो इसका झूला था। घर पे छोटी सी थी तो झूला करती थी, अब तो बड़ी हो गई, इसने खुद ही पैर मार मार के तोड़ क्या दिया, उसको फाड़ दिया, उसका झूला जो पालना नहीं होता उसको फाड़ दिया है। किस तरह से मजे से झूल रही, पापा कह रहे थे आओ नीचे करके तुमको उतार लेते हैं, तो कह रही थी नहीं हमको उतरना नहीं हमको झूलना ही है। तो ये मजे से कैसे झूल रही है, सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, हम सब नीचे से देख के हंस रहे थे। जो बाहर ये स्टेज पे था, नीचे जो लोग थे खड़े होके देख रहे थे और हंस रहे थे,
किस तरह से छोटी बच्ची झूल रही है और कह रही है नहीं उतरेंगे, इसको नीचे उतारा पापा ने कि चलो अब घर चलते हैं, काफी रात हो गई थी, 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो इसको नीचे उतार रही थी, रो रही थी, पापा ने इसको फिर से के बैठा आगे दिया। हम पीहू को लेकर चले आए थे, नहीं तो आप लोगों को इसके आगे का वीडियो शेयर करते कि कैसी हुई थी शादी। सो गाइस, वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से जरूर करें, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को मेक श्योर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते। सो गाइस, हम आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, हम आप लोगों को मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।